नई शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी। आज हम करने वाले हैं समांतर माध्यम में असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए समांतर माध्यम, और इसमें हम पहली विधि हम करने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि। तो हमने दो भाग किए थे, पहला भाग जो है वो यहां आप सारी देख लीजिए। तो यहां जो दो भाग थे, पहला असमूहित, दूसरा उधर समूहित। समूहित असमूहित में तीन भाग थे, प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन। आज जो असमूहित में हम प्रथम जो हिस्सा करने वाले हैं, असमूहित में भाग एक प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? यहां सभी प्रक्षेपणों का योग कर लिया जाता है और योग कर उनमें सभी जितने भी प्रक्षेपण होते हैं उनकी संख्याओं का भाग दिया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, एक्स बार बराबर सिग्मा। याद आ रहा है कुछ पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, एक्स बार बटा में एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा में एन। एक्स बार का मतलब समांतर माध्यम से है, यहाँ सिग्मा का मतलब टोटल से है, एक्स यानी प्रक्षेपणों का योग है, ये प्रक्षेपणों का योग है, एन जो है वो संख्याएं है, जितनी भी संख्याएं थी उनका। अब असमूहित आंकड़े कौन से होते हैं, ये भी तो समस्या थी कि ये पता ही नहीं सर असमूहित आंकड़े होते कौन से हैं और आपने बताया नहीं। तो मैं बता देता हूं कि असमूहित आंकड़े वे होते हैं जो सामान्यतः संख्याओं के रूप में लिखे जाते हैं, बस हमें कुछ नहीं करना होता, उनका प्रयोग करते हुए समांतर माध्यम ज्ञात कर लेना होता है। जैसे कि कोई संख्या है, ये कोई संख्या है और इस संख्या को आपको बोल दिया गया कि समांतर माध्यम ज्ञात कर रहे हैं, तो इसमें सामान्य संख्या लिखी गई है, नहीं तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में बनाने की आवश्यकता नहीं, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसी जैसी संख्याएं हैं हम उनका वैसा ही प्रयोग यहां कर लेते हैं। पहले इसका लिख लीजिए क्या है, एक्स बार बराबर होता है समांतर माध्यम सिग्मा एक्स का मतलब होता है प्रक्षेपणों का योग, एन बराबर होता है प्रक्षेपणों की संख्या। अब सबसे पहले एक्स बार बराबर हम क्या लिखने वाले हैं, सिग्मा एक्स तो हमारे पास जो होगा नहीं, तो योग करेंगे तो प्राप्त होगा, तो मैं क्या करूंगा, आठ प्लस छह प्लस चार प्लस दो दस प्लस दो प्लस बीस और प्लस पैंतीस। आपको पता होगा पिछली क्लास में एक फॉर्मूला लिखा था, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस सो जितने भी थे उन सभी का योग। तो यहां वो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स एक्स सेवन हो गए, और ये इसलिए लिखिए एक दो तीन चार पांच छह और सात, तो सात। अब इनका टोटल कर लेते हैं, जब इनका टोटल कर लेते हैं तो भाई क्या प्राप्त हो जाता है, सिग्मा एक्स प्राप्त हो जाता है। तो आठ और छह चौदह, चौदह और चार अठारह, अठारह और दो बीस, दस तीस, तीस और बीस पचास, पचास और पैंतीस पिचासी। भाग किसका देना है इसमें, सात का, तो सात से इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो लगभग 12.1 के लगभग जो है वो इसका उत्तर आ गया, और वो हमारा क्या है, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य है। सूत्र जो याद रखे, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा में एन, सिग्मा एक्स यहाँ क्या है, जितनी भी राशियां हैं उनका योग, यानी अगर सिग्मा एक्स का अगर हम विस्तार से लिखूं कि सिग्मा एक्स क्या होता है, तो सिग्मा एक्स होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स सिक्स प्लस एक्स सेवन। इस तरह से कुल मिला के जितने भी एक्स हैं, जितने भी आपके पास संख्याएं दी हैं, वो सभी की योग जो है वो क्या कहलाता है, सिग्मा एक्स कहलाता है। वैसे आप छोटी क्लास में कर चुके हैं, आपको पता होगा, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में हम जो इसका सीधा सीधा उत्तर निकाल लेते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये प्रत्यक्ष विधि थी जिसके अंदर एक्स बार सिग्मा एक्स बटा मैन का हमने प्रयोग किया और बिना किसी जो अन्य सूत्र के प्रयोग किए हमने सीधा ही जो उसको उत्तर को हल कर दिया था। इस तरह की विधि क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इसके बाद के वीडियो में हम कल्पित और शब्द विचरण विधि करेंगे। दोनों विधियां एक जैसी हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर है। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।